इंद्री के गांव गढ़ी बीरबल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में साइबर क्राइम जागरूकता शिविर के तत्वाधान में छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया। इस जागरूकता शिविर में छात्रों को बताया गया कि इंटरनेट का प्रयोग बहुत सूझबूझ से करना चाहिए। इंटरनेट पर अपनी निजी जानकारी हर किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए और किसी भी खबर को बिना सोचे समझे अन्य लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ और धन्यवाद का पात्र हैं मेरे जो सक्षम फाउंडेशन इंद्री की जो ब्रांच है कि वो आज मेरे विद्यालय में आए हैं कि सरकार के द्वारा या विभिन्न एनजीओ के द्वारा जो विभिन्न स्मार्टफोन के माध्यम से अनेक योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे दुर्गा वाहिनी है, सक्षम फाउंडेशन है, इंटरनेट सारथी है, जिनके माध्यम से युवा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है, तो उनमें वो सक्षम हों। और जो स्मार्टफोन वेलनेस के लिए कि युवा गलत इस्तेमाल ना कर लें, अच्छा ही उसमें सीखें, इसलिए बच्चों को गलत दिशा में ना जाएं। आज जो आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है ये बहुमूल्य और उपयोगी है और हम जो साइबर क्राइम है उस पर भी अनेक बार ऐसे विषय पे जो है ये वर्कशॉप हम रख चुके हैं और भविष्य में जो हमारे देव जी हैं इस बारे में जो एक्सपर्ट हैं इसके बारे में भविष्य में भी युवाओं को लगातार जो है इसके बारे में जागरूक करते रहेंगे और हम आपका भी धन्यवादी रहेंगे कि भी आप हमारे बच्चों के बीच में आए हैं और भविष्य में भी आप ऐसे ही आते रहेंगे। हम जो हैं क्योंकि जो युवा है वही देश का नागरिक है, उससे ही देश जो है समृद्ध बनेगा कि जो योजनाएँ हैं वो अच्छे के लिए हों, बुरे के लिए ना हों। धन्यवाद। अगर जैसे यहाँ पे कैंप लगा स्कूल में, ऐसे हर जगह कैंप लगेगा तो जैसे मतलब गांव के लोग खास तौर पे उनको ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती और वो मतलब थोड़ी सी जानकारी में गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब उनको जैसे कि किसी ने अपनी ईमेल आईडी बना रखी है, वो सोचते हैं बस हाव भाव से या सभी एक जैसे होते हैं, पर उनको किसी का पता नहीं होता कि उसका मिसयूज भी किया जावा तो वो अपना पासवर्ड सभी के साथ शेयर कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उस किसी को उस चीज़ के बारे में नॉलेज होएगी तो वो कम यूज़ करेंगे। और इंद्री से मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट। समय समय पर ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।